बड़ी खबर का आपदाग्रस्त टिहरी के दौरे पर सीएम धामी प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं सीएम, तो आपदा पीड़ितों से मुलाकात भी मुख्यमंत्री धामी की तरफ से। तो बुढ़ाकेदार क्षेत्र में बारिश के बाद यहां पर भयावह मंजर देखा गया है, ऐसे में लोगों को विस्थापित किए जाने का काम भी यहां पर किया जा रहा है। इस बीच इन हालातों के दरमियान अब सीएम धामी भी टिहरी पहुंचे हैं, जहां प्रभावित इलाकों का वो दौरा कर रहे हैं, साथ ही आपदा पीड़ितों से मुलाकात भी मुख्यमंत्री धामी की तरफ से। इसके अलावा आपको बता दें कि यशपाल आले भी यहां पर पहुंचे थे और प्रेमचंद अग्रवाल भी यहां पर पहुंचे थे, और लोगों को ये आश्वासन दिलाया गया था कि इस जो स्थिति को बार बार टिहरी के लोगों को झेलना पड़ता है, उनके लिए विस्थापन के लिए जमीन को सर्च किया जा रहा है, सर्वे पूरा होते ही लोगों को विस्थापन करने का काम जो है वो यहां पर किया जाएगा। तो देखिये तबाही के मंजर की उस दौरान की तस्वीर, किस तरह से टिहरी लोगों को यहां पर भुगतनी पड़ी, हालांकि उन्हें शिविर केंद्रों में प्रभावित लोगों को भेजा गया। संवाददाता अरविंद नौटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, अब मुख्यमंत्री धामी भी टिहरी पहुंचे हैं, आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात। जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से सीधे घनसाली के विनायकल पहुंचे हैं, और यहाँ पर जो शिविर में रह रहे 40 से 50 और 55 परिवार यहाँ पर शरण लिए हुए हैं, और उनके लिए जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर रहने खाने और सोने की व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा की गई हैं, उसको लेकर भी आज मुख्यमंत्री ने तारीफ की है और कहा है कि आपदा के समय जो टिहरी जिला प्रशासन ने बहुत ही तेजी और तत्परता से जो कार्य किया है वो तारीफ काबिल है। साथ ही शिविर में जो लोग थे, जो आपदा पीड़ित लोग थे, उनको मिले, उनसे बात की, तो उनको कहा कि आपदा के समय जो भी आप लोगों का नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति पूरी की जाएगी, और साथ ही जब कहीं सुरक्षित स्थान जो होगा उसका सर्वे करवाकर वहां पर विस्थापन की कार्रवाई भी की जाएगी। कुल मिलाकर ये भी कहा गया कि जिस तरह से आपदा में नुकसान हुआ है हर तरह से भरपाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर जो आज मुख्यमंत्री घनसाली के निरीक्षण पर हैं आपदाग्रस्त इलाके के, बिल्कुल अरविंद, टिहरी में जिस तरह से भयावह मंजर देखा गया और हर बार बारिश के दौर के बीच इस तरह का आलम जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है, वो अपने आशियानों को छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट होने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इन लोगों के बीच मौजूदगी, लोगों की अगर बात करें तो उनका क्या कुछ रुक रहा, उन्होंने क्या कुछ मांगे सीएम के सामने रखी? और यहाँ पर जनजीवन दोनों ही प्रभावित हुआ है, दो लोगों की यहाँ पर दुखद उनका देहांत भी हुआ, मृत्यु भी हुई है, और पुल है, रास्ते हैं, स्कूल है, भवन है, खेत है, बहुत सबका नुकसान हुआ है। हमने कहा है इसे जल्दी की जाएगी सुरक्षात्मक दीवार, और जिन लोगों का भी विस्थापन होना है उनका जहां भी जरूरी है वहां पर विस्थापन किया जाएगा, उनको नई जगह पर बसाया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरी तरह से लोग सुरक्षित रहें, हर प्रकार से उनको वो हो, और यहाँ पर जो गर्भवती माताएं हैं सभी प्रकार की जो भी व्यवस्थाएं जरूरी हो सकती है बच्चों प्रशासन को करने को कहा है। हाँ, मैंने पूरा नुकसान हुआ है, पूरी तरह से भूस्खलन बड़े पैमाने पर हुआ है, स्कूल का नुकसान हुआ है, पुलों का बड़ी आपदा आई है, और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी फिर से जनजीवन सामने। तो देखिए मुख्यमंत्री धामी को आप सुन रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इलाकों का दौरा भी किया है, साथ ही पीड़ितों से भी मुलाकात यहां पर की है, और उनका यही कहना है कि मोटा पूरा यह है कि जल्द से जल्द लोगों का मदद पहुंचाई जाए। देश में फिर भारी बारिश का अलर्ट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कई जिलों में और देहरादून पौड़ी टिहरी के लिए चेतावनी जारी की गई है, चंपावत नैनीताल उधम सिंह नगर में भी अलर्ट जारी, एक बार फिर पहाड़ में चुनौती बढ़ते हुए हरिद्वार में भारी बारिश की आशंका।
विभाग की तरफ से जताया गया है। तो प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश का जो दौर है वो देखा जा सकता है, जिसको लेकर भी हिदायतें और गाइडलाइन जारी की जा रही है। कई जिलों में ऑरेंज जारी कर दिया गया है, तो लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। नदियों नालों के पास न जाने की हिदायत दी जा रही है। आपको बताया कि देहरादून पौड़ी टिहरी के लिए चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा चंपारण उधम सिंह में भी भारी बारिश का अलर्ट, तो हरिद्वार में भारी बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने का भी अंदेशा। बड़ी खबर है जहां NH-94 में जगह जगह आया मलबा, यमुनोत्री हाईवे मलबा आने से हुआ बाधित, मूसलाधार बारिश से यमुना नदी और नाले उफान पर, तो NHAI सड़क पुल जुटा हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको यमुना घाटी से बता रहे, जहां NH-94 में जगह जगह आया मलबा, तो यमुनोत्री हाईवे मलबा आने से बाधित है, मूसलाधार बारिश से यमुना नदी और नाले उफान पर है। NHAI सड़क खोलने में जुटा हुआ है, क्योंकि लगातार लोगों को यहाँ पर आवाजाही का सामना करना पड़ रहा है। वही चमोली से खबर है जहां बारिश के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर, तो मलबा आने से टंगड़ी और गुलाब कोटी में NH बाधित, लगातार हो रही बारिश से लोगों की बड़ी परेशानी। तो राजमार्ग से मलबा हटाने का काम जो है वो लगातार यहां पर किया जा रहा है। तो चमोली से आपको ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, बारिश के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ। तो टिहरी पहुंचे हुए सीएम धामी, सीधी तस्वीर देख रहे हैं, बाढ़ जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात करते हुए, उनके दर्द उनकी पीड़ा को समझते हुए, साथ ही साथ मुख्यमंत्री की तरफ से यहां पर आश्वासन भी कि जल्द से जल्द इन लोगों को विस्थापित किए जाने का काम जो है उस पर सरकार फोकस कर रही है। तो फिलहाल टिहरी पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री धामी, इससे पहले उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा, वहां की स्थिति को यहां पर जाना, क्योंकि हमने आपको तस्वीर उस दौरान की भी दिखाई थी जब टिहरी में भयावह मंजर देखने को मिला था। लैंडस्लाइड की जद में 15 मकान यहां पर आ गए थे। इसके बाद आलम यह हुआ कि लोगों को अपने घर छोड़कर, अपने आशियाने को छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट होना पड़ा। इस बीच से बड़ी खबर है, फायर ब्रिगेड बना IPS अफसर का सेवक, फायर ब्रिगेड कर रही IPS अधिकारी के घर पेयजल आपूर्ति, तो IPS अर्चना त्यागी के घर पर पानी की सप्लाई, पानी खत्म हुआ तो ₹1000 का टैंकर नहीं खरीदा, फायर ब्रिगेड की गाड़ी घर भेज की भरवाई है। महाराष्ट्र कैडर की 1993 बैच की IPS है अर्चना त्यागी। की बड़ी खबर देहरादून से है, फायर ब्रिगेड बना है IPS अफसर का सेवक। तो देखिए तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, फायर ब्रिगेड जो है